हेलो गाइज, मेरा नाम है युवराज। आप देख रहे हो वाईपी सिनेमा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल की 2898 मूवी में जो काम करने वाली एक्टर्स जैसे प्रभास, नागाश्विन सर, दिशा पटानी, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इन सब ने कितने रुपए लिए उस मूवी में काम करने के लिए और इस मूवी का बजट क्या है, ये सब हम आगे जानेंगे। वो जानने से लेकर छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, एज पर रिपोर्ट, ये ऑफिशियल आंकड़े नहीं है लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स मैंने छाने, गूगल के ऊपर आर्टिकल्स पढ़े, तो उसके हिसाब से मैंने जो नंबर्स निकाले तो उसके हिसाब से कल की 2898 मूवी का बजट जो है 600 करोड़ है। आप भी गूगल कर सकते हो, लेकिन क्यों तकलीफ लेना, आपका भाई आपके लिए हाजिर है यार, तो बता ही देगा। तो 600 करोड़ तो इस मूवी का बजट है, उसमें से एक्टर्स ने कितने लिए, प्रभास ने सबसे ज़्यादा लिए और एंड में बताऊंगा वो तो सबसे कम फीस लिए इस मूवी में काम करने के लिए दिशा पटानी जी ने। तो उन्होंने एज अ रॉक्सी नाम है उनका कैरेक्टर का नाम है उस मूवी में, कल की मूवी में, तो उन्होंने वो रोल निभाने के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए मेकर्स के। और उसके बाद आते हैं अमिताभ बच्चन, ये है, इन्होंने अश्वत्थामा का रोल करने के लिए 18 करोड़ मांगे कल की 2898 मूवी के मेकर्स को, मतलब उन्होंने लिए फीस। उसके बाद आती है दीपिका पादुकोण, उन्होंने ली है 20 करोड़ सुमति या फिर सम 80 के लो ट्रेलर, उसमें उन्होंने मतलब एक डिस्प्ले आता है वहाँ पर उनका नाम सम 80 आता है। और जब उनका एक इवेंट हुआ था कल सेकेंड ट्रेलर रिलीज करने के लिए कल परसों, तो उसमें दीपिका पादुकोण एज अ सुमति, बचे हैं 2 लोग, कमल हसन और प्रभास। तो कमल हसन ने भी 20 करोड़ लिए, दीपिका पादुकोण और कमल हसन की दोनों इक्वली फीस है उसमें काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है, कमल हसन का शायद से केमियो ही होगा। जितने भी रिपोर्ट आ रहे बता रहे कि एंड में कमल हसन आएंगे, कुछ तूफान मचा के जाएंगे और सेकेंड पार्ट के लिए एक्साइटिंग करते हुए वो चले जाएंगे, इतना ही पार्ट होगा। लेकिन दीपिका पादुकोण पूरे मूवी में उनके अराउंड घूमेंगी मूवी, वो प्रेग्नेंट होती है, उनका बच्चा बचाने के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए प्रभास आती है, तो ऐसी स्टोरी होने वाली है ट्रेलर से जो कुछ पता चला है। और उसके बाद लास्ट में एंड में पता था चलूँ कि प्रभास ने इस मूवी में काम करने के लिए टोटल 150 करोड़ चार्ज किए। जी हाँ, प्रभास ने 150 करोड़, दीपिका पादुकोण ने 20 करोड़, अमिताभ बच्चन ने 18 करोड़, कमल हसन ने 20 करोड़, दिशा पटानी ने 2 करोड़, टोटल किए जाए तो 60 करोड़ तो इन चार लोगों की ओर, और अकेले प्रभास ने लिए 150 करोड़, मतलब टोटल एक्टर्स ने ही 210 करोड़ रुपए यहाँ पर चार्ज किए और इस मूवी का बजट है 600 करोड़, मतलब समझ लो 390 करोड़ बाकी की चीज़ों में लगाए गए। और मैं बता रहा हूँ 390 में से 40 करोड़ बाकी क्रू मेंबर्स ने लिए होंगे, नागाश्विन यानी कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डीओपी, ये जो सब होते हैं उनको मिला के 40 करोड़ लिए होंगे, और बचे हुए जो 350 करोड़ है वो पूरा का पूरा सेट और वेफएक्स में डाल दिए होंगे। वेफएक्स बहुत ही बढ़िया है। तो बस आज के लिए इतना ही बताना था, साथ ही साथ बता दो कल की 2898 मूवी का सेकेंड ट्रेलर का रिव्यू करते हैं, उसकी लिंक में यहाँ पर दिख रही होगी आपको ऊपर आई बटन पे, यहाँ पर वहाँ पर जाके क्लिक कर दो या फिर मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर देख लो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।